हेलो वेलकम स्टूडेंट्स ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 2.5। स्टूडेंट क्वेश्चन आपके सामने है, देख ही सकते हैं आप, दिखने में काफ़ी लेंदी क्वेश्चन लग रहा है। मैं तो हर बार यही बोलता हूँ लेकिन इस बार तो एक्चुअली में लग ही रहा है मुझे भी, लेकिन लेंदी नहीं है, हमें बिल्कुल इसको आसान बनाना है। कैसे बनाएंगे, चलिए यहाँ पर वेरिएबल देखिए, क्या देखा, टी दे रखा है, यहाँ पर भी टी दे रखा है और एक टी यहाँ पर देखा है। मैंने आपको बोला इक्वेशन में हमें क्या करना है, वेरिएबल वेरिएबल को एक साइड अरेंज कर लेना। सबसे पहले इस टी को क्या करना है, हमें ट्रांसपोज करके इस साइड अरेंज कर लेना है ताकि इनको सोलो करने में हमें क्या रहे, एक ही बार में सोल्व हो जाए सारे। अपॉन में दे रखा है मतलब एलसीएम लेना है हमें। माइनस का टी में ट्रांसपोज करके इस साइड लूँगा तो प्लस का टी हो जाएगा, 2/3 अपने प्लेस पर कॉन्स्टेंट। चलिए अब मैं इस साइड को सोल्यूशन करूँगा, यहाँ पे तो तीनों का अपॉन में कुछ भी नहीं, मतलब 1 है, 4, 3 और 1, इनको मैं अगर सोलो करूँगा तो आपको पता है कि एलसीएम लेना पड़ेगा। 4, 3 और 1 का एलसीएम आप जब भी लेंगे तो आपको हमेशा क्या मिलेगा, 12 मिलेगा। चलिए करना क्या है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से डिवाइड करना है तो 4 का डिवाइड 12 में करेंगे तो कितना आंसर आएगा, 3, और 3 जो आंसर है उसको मल्टीप्लाई किस में करेंगे, न्यूमरेटर में, तो 3 × 3t − 2। माइनस का साइन लगाएंगे, 3 का डिवाइड 12 में करेंगे कितना आएगा, 4, 4 का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में 4 × 2t + 3 प्लस 1 का डिवाइड 12 में करेंगे 12 का मल्टीप्लाई टी में करेंगे तो 12t क्या हो जाएगा, 2/3। चलिए नेक्स्ट स्टेप बढ़ाएंगे, हमें क्या करना है, यहाँ पर सोलो करना है। ब्रैकेट क्यों लगाया है, क्योंकि 2 नंबर थे और मैंने आपको बोला है मल्टीप्लाई में ब्रैकेट लगाना अनिवार्य है जब 2 नंबर्स हो, वरना अगर आप मल्टीप्लाई में ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो 3 का मल्टीप्लाई सिर्फ 3t के साथ में रह जाएगा। चलिए ब्रैकेट कैसे ओपन करेंगे, तो 3 का मल्टीप्लाई आपको फर्स्ट नंबर में भी करना है, 3 का मल्टीप्लाई को बाद वाले नंबर में भी करना है। तो 3 3 कितना हो जाएगा, 9t3 − 2 − 6। माइनस का साइन, अब देखिए माइनस का साइन साथ में चलेगा, −4 × +2 तो कितना हो जाएगा, माइनस प्लस कितना हो जाएगा, −4 × 2 = 8t माइनस मल्टीप्लाई प्लस, −4 × 3 − 12 प्लस का 12t अपने प्लेस पर ही सही। अपॉन में क्या करना है, 12 = 2/3 बिल्कुल सिस्टमेटिक 1 by 1 स्टेप आप सोल्व करना है। चलिए यहाँ पे आप नोटिस करेंगे, यहाँ पे टी वाले कितने हैं, 1t ये वाला और ये वाला, इन तीनों को क्या कर लेंगे, एक जगह अरेंज कर लेंगे। सो 90 − 8t + 12t बिना टी वाले कौन से, −6 एंड क्या बचा, −12 अपॉन 12 अपॉन 2/3। चलिए इन तीनों को मैं सोलो करूँगा, 90 − 8t करूँगा तो कितना आएगा, 9 में से 8 माइनस करेंगे तो 1 1 + 12 कितना हो जाएगा, 13t −6 − 12 कितना हो जाएगा, −18 / 12 = 2/3। अब क्वेश्चन कुछ सिंपल लग रहा है, ठीक है, यहाँ पर फिर से हमारे पास अपॉन में आ चुके हैं दोनों तरफ। अब देखिए या तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 का मल्टीप्लाई इधर कर दीजिए, 12 का मल्टीप्लाई इधर कर दीजिए, लेकिन मैंने आपको चीज़ बताई थी कि डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल हो रहा था, डायरेक्ट कर दिए, 3 × 1 = 3 3 × 4 = 12। ऐसा करने से क्या फ़ायदा हो गया, ऐसा करने से फ़ायदा हो गया कि नंबर भी छोटा हो गया और हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करने की जरूरत भी नहीं। क्या बचा हमारे पास, 13t − 18 / 4 = 2। चलिए अब हमें टी की वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो पहले 4 को हम ट्रांसपोज करेंगे इस साइड, ठीक है, 13t − 18 4 यहाँ पे डिवाइड में उस साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई में 2 × 4 = 8। चलिए टी की वैल्यू फाइंड आउट करना है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन बन चुका है। 13t = −18 को मैं पहले ट्रांसपोज करूँगा, सो 8 + 18 तो 13t = कितना हो जाएगा, 26। अब मुझे टी की वैल्यू फाइंड आउट करना है, क्या करूँगा मैं, 13 को ट्रांसपोज करूँगा, 13 यहाँ पे मल्टीप्लाई में, सो इस साइड कहाँ आ जाएगा, डिवाइड में, सो t = कितना हो जाएगा, 26/13 = 2 आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये आपका क्या है, फाइनल आंसर है। देख कितना बड़ा क्वेश्चन था, लग रहा था काफ़ी बड़ा है लेकिन बिल्कुल 1 by 1 स्टेप हमने कराया, बिल्कुल ईजी वे मैंने आपको करवा दिया है, सो आपका आंसर यहाँ पे होता है कंप्लीटेड।